हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो चलिए, शाम का टाइम हो गया है तो जाना है गणेश जी की आरती में। तो जाते हैं थोड़ी देर से गणेश जी की आरती में। तो यहाँ पे दो जगह गणेश जी हैं, मनु घर में रखे एक बाहर। तो दोनों जगह आरती में जाना है। ये देखिए, थोड़े सा सूट चेंज कर लिए, नहाए हैं तो चेंज कर लिए हैं। तो अब जाएंगे गणेश जी की आरती करने। आरती करने के आकर खाना बनाते हैं। और आप सभी लोग कैसे हो जरूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। फिर देखते हैं आके कोई सब्जी बनाते हैं। इसमें अजीब सा चेहरा डल डल टाइप का, पता नहीं क्यों हो रहा है, थोड़ा सा डल डल टाइप का हो रहा है। देखते हैं, 7:15 हो रहा है तो देखते हैं कितने बजे से आरती होती है। तो कभी 7:15, कभी 7:30 और 7:45 ऐसी आरती होती है। देखते हैं यहाँ कितने बजे से आरती होती है। तो सोच रही थी खाना बना के जाऊँ, बट लगता आरती से आके खाना बना। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा दही बड़े खाने की इच्छा हो रही थी तो मम्मी दही बड़े बना के भेजी है। तो फिर आते हैं आरती से तो दही बड़े भी थोड़े से खा लेते हैं। इसमें क्या क्या खाने की इच्छा होती पता नहीं चलता है। तो हो गया ये है कि मम्मी लोग को बना के भेज देती हैं, मैं तो बना भी नहीं पाती। वो आलस बहुत आता बनाने में, कोई भी चीज़ें खाने हैं तो चलो लेटे रहो कौन बनाए। लेकिन मम्मी बना के भेजी है दही बड़े, वो भी खाते हैं। कुछ ना कुछ का ऐसे लगता है चटपटा सा खाने लगे, खट्टा खट्टा सा खाने लगे तो अच्छा लगता है। तो वो भी देखते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं आज शाम को सब्जी भी, क्योंकि रात का खाना थोड़ी लाइट टाइप का रहता है, ठीक रहता है। और आप सभी बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लॉग लाई थी, उसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा और देखिएगा। 7:30 हो गए हैं, इनका वेट भी कर रही हूँ क्योंकि आरती की थाली ये पकड़ते हैं, तो इनका वेट भी किया जा रहा है कि आ जाए तो आरती के आरती भी चालू होगी। दूसरी जगह भी वहाँ की आरती यही करते हैं सुबह शाम, वही वेट कर रहे हैं कि आ जाए, देखें क्या सब्जी लाएं वो भी बनाया जाए। थकान सी भी हो रही, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। देखते हैं क्या करते हैं। और आपको ब्लॉग में क्या चाहिए, फेस से रिलेटिव या खाना से रिलेटिव ज़रूर बताइएगा। मैं फेस से रिलेटिव कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती रहती हूँ तो ज़रूर। और ये सूट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मैं ऑनलाइन परचेस की थी इसके लिए, और बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, देखिए प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है। इसको मैं मतलब पहन चुकी हूँ, ये धो भी चुकी हूँ, इसका कलर भी नहीं गया, बिल्कुल कलर नहीं गया है। इसको मैं ऑनलाइन परचेस की थी, और ये भी ली थी मैं मीशो से। तो ये बहुत ही अच्छा निकला है कॉटन का, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, जैसा दिख रहा है नेचुरल ऐसा ही है सेम। तो ये बहुत ही अच्छा निकला है, कॉटन का है, प्योर कॉटन का है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। इसको देखिए मैं वॉश भी कर ली हूँ, पहन भी चुकी हूँ। हाँ, जब आता है ना तो थोड़ा सा मार्ट टाइप का रहता है, नया रहता है तो थोड़ा सा चिकना चिकना लगता है, लेकिन आप धो देंगे प्योर कॉटन में बदल जाता है। प्योर कॉटन है और बहुत ही अच्छा निकला है ये सूट। तो इसको मैं कहूँगी आप लोग परचेस कर सकते हो मीशो से। तो इसको मैं मीशो से ली थी, तो उस समय 650 का था, और इस टाइम मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, तो देख के ज़रूर मैं बता दूँगी ये कितने का है। बट जब मैं ली थी तो ये 650 का था, और प्योर कॉटन है, बहुत ही अच्छा है ये देखिए। और नीचे पैंट टाइप का है, तो आप इसको टाइट भी करा सकते हैं, और नहीं कराना चाहते तो ये ढीला भी अच्छा लग रहा है, दोनों में अच्छा लग रहा है। और इसका दुपट्टा भी लेंथ। चलिए, आरती का आ गया है बुलाना, तो चलते हैं आरती करके आते हैं। अभी जा रही हूँ इस साइड आरती करने, मनु साइड, फिर जाऊँगी अपने साइड, जब तक ये भी आ जाएंगे तो चला जाए। कोको क्या हुआ, तो चलिए चला जाए। तो थोड़ी सर में पल्लू रख लें, सभी लोग रहेंगे चलिए चला जाए, वहीं पे आरती कर लेते हैं। हम आरती करके आ रहे हैं, ठीक है कोको? ये कौन है? हम आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आरती करके आते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, आरती करके आ गए हैं, तो चलिए अब बना लेते हैं। 9 बज गए हैं तो जल्दी से परवल की सब्जी बना लेते हैं, जब तक ये वहीं गणेश जी के पास हैं। तो देखिए गाने की आवाज़ भी आ रही है,
अब वहाँ गाना बजाना चल रहा है तो मैं घर चली आई हूँ। अब सब्जी बना लेती हूँ परवल की जल्दी से, 9 बज रहे क्योंकि अभी आएंगे तो खाना मांगेंगे। तो मैं खाना बना के नहीं गई थी तो आके अब बना रही हूँ। तो देखिए मैं परवल की मस्त सूखी सब्जी बनाती हूँ, तलीदार। 2 लोग तो हैं तो थोड़ी सी बनानी है सब्जी, तो जल्दी से परवल की सब्जी बना लेते हैं। और कोको भी खाने का वेट कर रहा है मेरा, क्योंकि वो भी डैडी के साथ ही खाना खाता, अकेले खाना तो खाता ही नहीं है, उसकी एक आदत है। अरे रे इसको कौन काटे। तो परवल आप छील के बनाते हो कि नहीं बनाते जरूर बताइएगा। मैं अभी छील रही थी बट ऐसे ही अब तल देती हूँ, क्योंकि क्या छिलके सही थे, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो ये देखिए मेरी करैया गरम हो चुकी है, अब इसमें डाल दूँगी राई, जीरा, प्याज, लहसुन और मिर्ची। और इसको तल के बनाना है ना, तो आप कोई भी चीज़ को थोड़ा सा रेड करिए, ऐसा नहीं ब्लैक करिए, रेड कर दीजिए और सभी को अच्छी तरह से डाल दीजिए और चलाते रहिए। आपको जब भुजिया खाना है और अच्छी तलीदार खाना है तो आज तेज फ्लेम में अच्छे से पकाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए तो मैं परवल की सब्ज़ी मस्त सूखी बना रही हूँ, और जब तक ये आएंगे तो मेरा खाना बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और मैं अलग से वॉइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उस साइड गाना चल रहा है, सभी लोग गाना गा रहे हैं गणेश जी के उसमें, तो इसलिए अब सोच रही हूँ कि मिर्ची को क्या करूँ, मिर्ची को खाने के लिए फ्राई करूँ या तो सेकूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ मिर्ची के लिए, फिर बताती हूँ। तो चलिए पहले मिर्ची को धो लेते हैं फिर बताते हैं क्या करती हूँ। तो देखिए एक साइड सब्जी चढ़ रही है तो मेरा आटा गूंथा हुआ था, तो जल्दी से मैं एक साइड एक साइड रोटी बना लेती हूँ, तो जल्दी से मेरा काम हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी एक साइड रोटी भी बन जाएगी मेरी, तो ये आ जाएंगे तो गरम गरम खाना भी खा लेंगे। तो ये देखिए मेरी रोटी जल्दी से बन रही है, और सब्जी को बीच बीच में चलाते रखिए, जब सब्जी थोड़ा सा तेज में, फिर उसके बाद जब हल्का सा रेड हो जाए तो आप उसको मध्य में आँच में करिए। और इसे मैं रोटी भी सेक लेती हूँ, तो रोटी कोको को हमारे लिए और इनके लिए है। तो आप लोग कैसे दोनों को साथ में कभी कभी क्या करती हूँ, मैं आटा गूंथ के रख लेती हूँ फिर बनाती हूँ, और कभी कभी तुरंत आटा, वैसे आटा रख लीजिए बना के तो फूल अच्छा जाता है, रोटी बहुत ही अच्छी सिकती है उसके हिसाब से। तो जी देखिए मैं सब्जी भी चलाती जा रही हूँ और रोटी भी बनती जा रही है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी रोटी और देखिए सब्जी बन चुकी है, बनी है। और ये कभी आप ना मिर्ची को तवे में जरूर भूज के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए नॉर्मल ऐसे सेक के गैस में मध्य आंच में, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इसको ना थोड़ा सा जैसे भून जाएगा तो इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा लीजिएगा, या चाट मसाला या काला नमक कोई सा भी डाल सकते, तो चाट मसाला डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। इसको मैं देखिए मैं मध्य आंच में धीरे धीरे सेक ले रही हूँ। ये देखिए एक बार जरूर आप बना के देखिएगा। तो चलिए मेरा जब तक सिक रहा है मध्य में आंच में, मैं चेंज कर लेती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद ये भी आ गए हैं तो चलिए खाना भी निकालते हैं, सभी लोग खाएंगे कोको। तो चलिए चेंज कर लेती हूँ फिर आप। ये देखिए मिर्ची मेरी सिक गई है, आपको नॉर्मल ऐसा सेकना है। और इसको खाने समय हम नमक डाल देंगे या चाट मसाला, जिसमें हम अभी हम डालेंगे चाट मसाला,